काम में बिजी है? मुझे अच्छे से पता है कि कौन से काम में बिजी है। एक नंबर का आलसी, कभी नहीं सुधरने वाला, आज भी नहीं आया। अभी क्या, अभी तो वो नींद में होगा, हमेशा झूठ बोलता रहता है। आज भी नहीं खुली होगी उसकी। अरे मेरा एक जूता कहाँ गया? मैंने अभी यहीं रखा था, पानी में तो नहीं चला गया, आसपास कोई दिखता भी नहीं है, कौन ले सकता है मेरा जूता? अरे विकी तुम? हाँ मैं। तुम तो बिजी थे ना? और तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं कर। निया, निया सुनो तो, निया, निया सुनो तो, निया। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तो मुझे पता है तुमने मेरा जूता छुपाया ना, देखो सीधे से मेरा जूता दे दो। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुमने मेरा जूता छुपाया ना, तो क्या लगता है मैं अपना जूता ढूंढ नहीं सकती? मैं जा रही। अरे नेहा मूड खराब मत करो। अरे नेहा, अरे अरे नेहा, 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 मोरा मेरा जूता। सुबह यहाँ पे आई थी तो आपने आसपास किसी को देखा क्या घूमते फिरते? नहीं सर, यहाँ सिर्फ मैं ही थी, यहाँ और कोई नहीं आया। मतलब ये कटा हुआ पैर कोई पहली फेंक के चला गया? मैं तो बस अपना जूता ढूंढ रही थी और मुझे अचानक कटा हुआ पैर मिला। कैसे आपका जूता कैसे गया? सर मैंने छोटा सा मजाक किया था, यहाँ का जूता उठा के पीछे छुपा लिया था। सर दोनों को इस कटे हुए पैर के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं सर, यकीन कीजिए मैंने भी ये कटा हुआ पैर पहले नहीं देखा सर। देखिए आप लोगों को कुछ मालूम है तो बता दीजिए, आप में से किसी ने देखा किसी को ये पैर फेंकते हुए, किसी अनजान आदमी को आसपास घूमते हुए? ये पैर काफी समय पहले ही काटा गया, फिर तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी हमारे डॉक्टर सालों के कुछ ना कुछ कमाल तो दिखाई देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश के टुकड़े पानी में फेंके हों फिर ये समंदर के बहाव के साथ ये कटा हुआ पैर यहाँ किनारे तक आ गया? अगर किसी ने लाश को समंदर में फेंकते हुए देखा कैसे? यहाँ पर तो रात को भी पुलिस का पहरा लगा रहा है। सारा बीच छान मारा था, कहीं पे भी कोई लाश के टुकड़े नहीं। तो लाश फेंक गई क्या? सर बाकी लाश के टुकड़े समुंदर में बहके कहीं दूर चले गए होंगे। सर रेडी, समंदर अपने आप में कुछ नहीं रखता है, अगर मछलियों ने टुकड़े नहीं खाए हैं तो आज नहीं तो कल वो लाश के टुकड़े समंदर से बाहर आ ही जाएंगे। अरे का टुकड़े को चेक करो, देखो क्या मिलता है। हाँ सालुंगे, क्या मिला? बॉस ये जो पैर है ये 3 दिन पहले काटा गया है। 3 दिन पहले? मतलब 3 दिन पहले इस आदमी के टुकड़े करके समंदर में फेंक दिए गए? और ये कोई मामूली खूनी नहीं। क्या मतलब? जिस सफाई से पैर काटा गया है उससे लगता है ये कोई सर्जन। सर एकदम तेज धार वाले हथियार से पांव काटा गया। सर्जिकली क्लीन कट। मतलब
सर्जिकल शो से जी। तो फिर आसपास किसी ने तो देखा होगा, जाकर के पूछताछ करो, देखो जरा। तो फिर ये जूता, इससे भी कुछ पता चल सकता है। ये जूता महंगा है लेकिन है इंडियन। और ये देखिए, ये जूते के अंदर जो फ्लैप है इस पे नंबर लिखा है, इससे इस जूते के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो पता लगा ये जूता कहाँ से खरीदा गया है और किसने खरीदा है। हाँ ये भी देखिए मैडम, ये भी अच्छा है। आइए सर, लगता है आप लोगों ने काफी टाइम से जूता नहीं खरीदा, बहुत घिस गए हैं। जी हाँ, टाइम नहीं मिलता। काफी चलते हैं क्या आप लोग? चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, पूछताछ करनी। पूछिए क्या पूछना है? आप यहाँ के इंचार्ज हैं? जी हाँ। इस जूते के बारे में पूछना है, इसे गौर से देखिए, आप ही ने बेचा था? हाँ ये जूता तो। इस जूते के साथ साथ हमें एक कटा हुआ पैर भी मिला। कटा हुआ पैर? इस कंपनी के जूते तो हम ही बेचते हैं। आप बता सकते हैं कि ये किसने खरीदा था? एक मिनट दीजिए, मैं देख के बताता हूँ। मिल गया, ये जूता हमने एक महीना पहले ही बेचा था। किसे बेचा था? कस्टमर का नाम मनु है। मनु? इस मनु का एड्रेस भी तो होगा ना? है, अभी देता हूँ। अब इस मनु के घर जाना पड़ेगा। यहाँ बीच पे जितनी भी दुकानें आसपास सबसे पूछ के देखते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा हो। हाँ साहब बोलिए। तुम हर रोज यहीं पे होते हो? जी साहब, और कहाँ जाऊंगा। कितने बजे अपनी दुकान खोलते हो और कितने बजे बंद करते हो? साहब अपना टाइम तो फिक्स नहीं है, कभी 7 बजे कभी 8 बजे। मैं मालूम है ना, यहाँ पे एक आदमी का कटा हुआ पैर मिला। हाँ साहब देखा है साहब, मैं तो डर भी गया था साहब। तुमने यहाँ पे किसी आदमी को पानी में कोई बैग वगैरह डालते हुए देखा था क्या? 3 दिन पहले। बंद करने का टाइम रात को 8 बजे, क्योंकि साहब बहुत सुनसान हो जाता है, दूर दूर तक कोई दिखता नहीं। क्या जमाना आ गया है साहब, लाशों का पैर काट के समंदर में फेंक दे रहे हैं। सोमवार को तो मैंने दुकान भी देर से खोली थी और उस दिन एक आदमी से मेरा झगड़ा हो गया था। अच्छा, 2-3 दिन पहले रात को 8 बजे के आसपास किसी आदमी को यहाँ घूमते फिरते देखा था जिसने समंदर के अंदर कुछ फेंका हो? नहीं साहब, ऐसा आदमी तो कोई नहीं देखा। तुमने किसी को देखा था यहाँ पे कटे हुआ पैर समंदर में फेंकते हुए? साहब यहाँ तो दिन भर पानी में कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं साहब। मैंने पूछा तुमने कोई गड़बड़ आदमी को देखा है क्या समुंदर में कुछ डालते हुए? क्या है साहब, गड़बड़ आदमी देखते मैं पहचान जाता हूँ, ऐसा कुछ दिखा होता तो मैं फौरन पुलिस को फोन करता। पक्का नहीं देखा? नहीं साहब। ठीक साहब, यहाँ तो दिन भर पानी में कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं साहब, कभी पूजा पाठ का सामान लाके फेंकते हैं साहब, कभी क्या लाके फेंकते हैं साहब, मैं कुछ बोलता नहीं। मैं तो खाली कल से अपने पैर को देख रहा हूँ साहब, कहीं मेरा नंबर भी ना लग जाए। मैं उसी आदमी की बात बता रहा हूँ सर, वो आदमी यहाँ आया और थैली में कुछ सामान था, समंदर में थैली को फेंका और जाने लगा। सर ये लोग भी आपके साथ हैं क्या? हाँ, तीन और काटना 20 वाले। सर कुछ बता रहा है? अच्छा क्या देखा भाई, बता। जब मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की वो आदमी लगा भागने, और सर मैं उसको ऐसे थोड़ी छोड़ देता, आखिरकार मैं भी एक मेंबर हूँ एसोसिएशन का। अच्छा कौन सी एसोसिएशन के मेंबर हो भाई? जो लोग यहाँ आकर बीच को गंदा करते हैं उनके खिलाफ बनाई गई एक एसोसिएशन। और सर जब मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की ना, तो वो आदमी सफेद वैन में बैठकर यहाँ से भाग गया। वैन का नंबर नहीं देखा तुम? जब तक मैं पास में जाता और नंबर देखता तब तक वो भाग गया था सर। वैन कैसी थी, इसके बारे में कुछ बता सकते? सामान ढोने वाली वैन थी और आगे से अंदर की तरफ थोड़ी धसी हुई थी, लगता है कि एक्सीडेंट हुआ था उसका। इस आदमी को पहले यहाँ कभी देखा है क्या तुमने, आसपास घूमते हुए? नहीं सर। ये याद है उसका? हाँ सर भूलिया तो याद है, वो लंबा सा आदमी था, गोरा चिट्टा, हैंडसम, टोपी पहन रखी थी और सर चश्मा भी लगाया हुआ था। ठीक है, अगर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई? हाँ, चांस मार के देखते हैं, आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है सब चेक करते हैं। कहीं मनु तो नहीं आ गया? कौन है आप लोग? किससे मिलना है? ये
मनु का ही घर है ना? हाँ, लेकिन मनु इस वक्त घर पे नहीं। आप लोग? देखिए हम लोग सीआईडी से, अंदर आ सकते हैं? हाँ प्लीज आइए। कुछ पता लगा मेरे बेटे के बारे में? आपका बेटा गायब है? हाँ सर। कब से? 4 दिन से सर, उसके बारे में बहुत चिंता हो रही है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा वो। कुछ पता लगा उसके बारे में? अब तक तो कुछ पता नहीं चला, हमारी तहकीकात चल रही है और जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपने अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी? गायब होने के 1 दिन बाद ही लिखवा दिया था सर। 1 दिन बाद? हाँ सर। 1 दिन बाद क्यों, उसी दिन क्यों नहीं लिखवाई? हर शनिवार को मेरा बेटा येलो टाइड पब में जाया करता था। येलो टाइड पब? हाँ सर, उस रात भी वहीं गया था, फिर वो लौटा नहीं। मुझे लगा किसी दोस्त यहाँ रुक गया होगा। मतलब वो हर शनिवार पब में जाने के बाद किसी दोस्त के साथ रहता था? हाँ सर, जब दूसरे दिन भी सुबह वह घर नहीं लौटा तो फिर मुझे उसकी चिंता सताने लगी। मैंने उसके दोस्तों क्या पता किया मगर कहीं कुछ भी पता नहीं लगा सर। आपके पास उसका नंबर तो होगा, आपने फोन तो किया होगा ना उसे? किया था सर, लेकिन उसका फोन बंद है। अच्छा, ये बताइए कि आपको कोई धमकी भरा फोन आया या फिर किसी ने पैसे की कोई मांग की क्या आपसे? नहीं सर, ऐसा कोई भी फोन मुझे नहीं आया। चलो ठीक है, देखिए बुरा मत मानिए लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपके बेटे का बर्ताव कैसे होता था और लोगों के साथ। सर सबके साथ उसका बहुत अच्छा व्यवहार था। मतलब शरीफ था। वैसे वो ज्यादातर किसके साथ रहता है? मेरा मतलब है उसका सबसे करीबी दोस्त कौन है? सर वो ज्यादा समय करण के साथ रहता था। करण? लेकिन एक दिन करण से उसकी किसी बात पे कहा सुनी होगी। क्या हुआ? सर एक दिन करण का फोन आया तो मेरे बेटे ने कहा कह दो उससे वो यहाँ नहीं रहता। ऐसा कहा? हाँ सर। ठीक है, एक काम करो, आप हमें इस करण का नंबर दीजिए और आपके बेटे मनु का भी नंबर चाहिए हमें। ओके सर। इस येलो टाइड पब में जाना पड़ेगा। रतन एक काम है आपके पास। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या सेवा करूँ आप? पिछले हफ्ते जितने भी एक्सीडेंट हुए हमें उनका रिकॉर्ड चेक कर। हुआ क्या है सर, कोई मार्कर भाग गया क्या? हाँ ऐसा ही समझो, हम एक सफेद रंग की वैन ढूंढ रहे हैं, इसका शायद पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हुआ है, उस वैन में लाशें ले जाई जा रही है। आइए सर। सर इस रैक में सारी एक्सीडेंट की फाइलें हैं, आप इनमें देख लीजिए। ये है वो सफेद वैन वाली फाइल, इसमें लिखा है कि एक सफेद रंग की वैन ने किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर वहां से निकल के भाग गया। मतलब सर हिट एंड रन का ही केस है। दूसरी गाड़ी वाले ने वैन का नंबर नोट कर लिया और वैन के मालिक का एड्रेस भी है। वेरी गुड। सचिन ये म्यूजिक है कि चोर है? सर इस जगह को देख के लगता है कि ये काफी महंगी जगह है, यहाँ तो वही लोग आते होंगे जिनके पास बहुत पैसा है। एक काम करो, ये म्यूजिक का जो डीजे है ना डीजे, उसको बोलो वॉल्यूम कम करें, कान फट जाएंगे। अरे भाई साहब वॉल्यूम कम कीजिए। क्यों? हाँ म्यूजिक का वॉल्यूम कम, हाँ कस्टमर्स को परेशानी होती है। कस्टमर्स? हाँ। मैनेजर का है? वो रहे सामने। एक मिनट शांत हो जाइए। क्या हुआ, म्यूजिक की मन किया? कौन है आप लोग? आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी बोलिए। किधर आइए। कौन है आप लोग? अरे बोलिए सही। आइए इधर आइए, अभी पता चल जाएगा। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। किसे जानते हैं आप? आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं इसलिए। जानते हैं आप इसे? हाँ ये यहाँ पे आया करता था पहले, इसका नाम मनु है सर, लेकिन पिछले हफ्ते से ये यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा, जब लास्ट टाइम ये यहाँ आया था तो इसके साथ में कोई और भी था? हाँ इसका दोस्त था सर। दोस्त था? जी। पक्का याद है तुम्हें? हाँ दोनों एक साथ यहाँ पे आया करते थे, पर पिछले हफ्ते दोनों के बीच झगड़ा हो गया था सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये तो मालूम नहीं सर। अच्छा ये मनु के दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम करण है सर। वो रहता कहाँ है कुछ पता है? जू में एक जिम है सर, टेन पैक्स जिम, उसके बाजू में रहता है। ये मनोज का घर यही है? हाँ मैं ही मनोज हूँ। अच्छा अच्छा आप ही मनोज है? हाँ। नाइस मीटिंग यू मनोज। अरे अरे क्या कर रहे हैं लोग? अरे जब सीआईडी पकड़ती है ना तो हड्डियां पहले टूटती है। सीआईडी? हाँ सीआईडी,
ये सफेद रंग की वैन तुम्हारी है ना, PLB 6903? मगर और कौन कौन ने कर दिया? सर कोई नहीं है सर। सुबह चेक करो कहाँ पे खून करता है, खून कहाँ पे काटता है लोगों के पैर पैर एक के बाद एक खून किया जा रहा है, नाटक कर रहा है। मुझे कुछ नहीं मालूम है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। सब घर में कुछ भी नहीं है सर, वो गाड़ी मैं 2 महीने पहले ही बेच दी। क्या बेच दी थी तूने? फिर झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। गाड़ी बेची है तो कोई लेटर वगैरह होगा ना, बेचने के पेपर है ना, दिखा। सर पेपर नहीं है सर। होंगे भी कैसे सर, वो वैन पूरा नहीं थी और मुझे मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और सर पेपर पहले ही खो गए सर। कमाल है, को कैसे गए सर? वो किसको बेचा, नाम पता मालूम है उसका कुछ? सर पता तो मालूम नहीं है लेकिन नाम मालूम है। क्या क्या नाम है? के नाम है उसका? नहीं सर। फिर के सर? हाँ सर, केतन 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 सर। ये केतन दिखता कैसा है सर? लंबा सा था, गोरा चिट्टा, कैप पहनता था और सर काला चश्मा भी पहनता था। सर बिल्कुल वैसा ही आदमी है सर जैसे उस नारियल पानी वाले ने हमें बताया था। वही है विवेक, ये वही है। इसका कोई नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ सर। विवेक? हाँ सर, केतन 198-652-652। देख अगर झूठ बोला ना तो जेल के अंदर जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, समझा? नहीं सर, नंबर बंद है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो ये फोन इस वक्त कहां पे है और तुम शहर छोड़ के नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। देखो करण, अगर तुम्हें लगता कि झूठ बोलकर तुम हमसे बच पाओगे तो तुम्हारी गलत फहमी है, तो अब सच सच बताओ कहां पर है मनु? सर मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे तो आप लोगों से पता लग रहा है कि मनु गायब हो गया है। तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना मनु के साथ येलो टाइट पब में? जी सर। फिर? लेकिन ऐसे झगड़े हमारे बीच में होते रहते हैं। उस झगड़े के बाद से ही मनु गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही कुछ किया हो? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। किस बात पे हुआ था झगड़ा? सर मनु की गर्लफ्रेंड थी शीना, अब वो मेरी दोस्त है। बस ये बात मनु को पसंद नहीं आई और वो मुझ पर चिढ़ गया और इसी बात पर उसने मुझे मारा भी और वहां से निकल गया। फिर? मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की थी, मैंने उसे कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी अब नहीं है, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वाह, तो इस बात को लेकर तुमने मनु को गायब कर दिया है ना? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ कि झगड़े के बाद हुआ क्या? झगड़े के बाद मनु वहां से निकल गया और उसके 1 घंटे बाद मैं शीना को घर छोड़कर अपने घर आ गया और सुबह उससे फोन पे बात भी हुई थी। सुबह मनु का फोन आया? जी सर। झगड़े के बाद फोन आया? अच्छा बताओ क्या बोला क्या वो फोन पर? सर वो बहुत नशे में था और पिछली रात के लिए शर्मिंदा भी था, कह रहा था वो अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ है और कल रात घर भी नहीं गया। सिद्धार्थ नाम के दोस्त के साथ? तुम जानते हो उस दोस्त को? नहीं सर मैं नहीं जानता। कहां से बात कर रहा था ये मनु? सर ये तो नहीं मालूम कि कहां से बात कर रहा था, लेकिन जब वो फोन पे बात कर रहा था तो पीछे से बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज? जब उसके बाद तुम्हारी उससे दोबारा बात हुई क्या? सर उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, तभी आखिरी बार उससे बात हुई थी। ठीक है, शहर छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे, जरूरत पड़े तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। जी सर। सचिन आप जरा। जी सर। सचिन बिल्डिंग की सिक्योरिटी वालों से पूछो कि क्या ये करण रात को घर आने के बाद कहीं बाहर गया था क्या? और एक बात, इस मनु के दोस्त सिद्धार्थ को ढूंढो, ढूंढो उसे, उसी से पता चलेगा कि ये मनु है कहां। यही जगह बताई थी ना मोबाइल कंपनी वालों ने? हाँ सर यही एड्रेस है, केतन ने आखिरी बार फोन यहीं से किया था। सफेद वैन। PLB 6903 नंबर वही है सर और आगे से दबी हुई भी है सर, हेडलैम्प भी टूटा हुआ है, मतलब ये वही वैन है। वही है, अगर वैन यहाँ है तो केतन भी आसपास ही होना चाहिए।
पार्किंग वाले से पूछते हैं। अरे सुनो, ये सफेद वैन जिसकी है, इसका मालिक कहाँ है? पता नहीं साहब, गाड़ी खड़ी करी और निकल गया। चले गया? विवेक, जरा ये गाड़ी खोल कर देखो, इसमें लाश वगैरह तो नहीं है? ये सर, वैन में लाश है। हम लोग सीआईडी से, परेशान मत हो, चुपचाप अपना काम करते रहो, ओके? अच्छा सुन, ये जो आदमी यहाँ से गया था, उसके हाथ में कोई बैग वगैरह था क्या? हाँ साहब, एक बड़ा सा काला बैग था। काला बैग? और वो तो बिना पार्किंग के पैसे दिए हुए जा रहा था, वो तो मैंने रोका तब वो पैसे देके गया। कितनी देर पहले गया वो? करीब सर 4 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया। 4 घंटे? पता नहीं कहाँ निकल गया होगा, वैन छोड़ के भाग गया वो। सर थोड़ी देर पहले यहाँ पे पुलिस भी आई थी। पुलिस आई थी? वो सामने वाली बिल्डिंग में चोरी हो गई है ना सर। अच्छा, पुलिस देख के भाग गया होगा, उसे लगा होगा कि पुलिस उसे पकड़ने आई है। सर। हाँ विवेक। सर गाड़ी में कोई लाश के टुकड़े नहीं है और ना ही कोई लाश है सर। वो काला बैग भी नहीं है सर, लेकिन खून पड़ा हुआ है सर। मांस के टुकड़े भी पड़े हैं? हाँ सर, मतलब लाशें इसी गाड़ी में ले जाई गई है सर, कुछ पहले और कुछ बाद में। अगर वो काला बैग लेकर निकला है तो उस बैग में लाश होगी। देखा कितना ताज़ा खून पड़ा हुआ है। काम करो, आसपास चेक करो, कहीं फेंक फाँक के भागा तो नहीं है? यस सर। विवेक सर, ये देखो, ये मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, शायद उसी का है। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई सिम कार्ड वगैरह है? सिम कार्ड भी नहीं है सर। सिम कार्ड गायब है? बहुत चालाक है वो आदमी। मोबाइल यही है तो वो काला बैग भी यहीं कहीं हो सकता है। शायद उसी का है। बोलो। माय गॉड, एक काम करो, ये कटे हुए पैर और जो वैन में अलग अलग जगह पे खून गिरा है ना, सबको अलग अलग उठा लो, और मांस के टुकड़े भी, ये सब फॉरेंसिक लैब भेज दो। सरंखे, इस बार ये दोनों पैर इस बैग में से मिले, पानी में नहीं। क्या कुछ पता चला? नहीं बा, इस बार भी पैरों पर कोई निशान नहीं मिला है। अरे लेकिन जब ये पैर काटे होंगे तो हाथ से पकड़ के ही काटे होंगे ना, तो उंगलियों के निशान होने चाहिए। शायद काटने वाले ने ग्लव्स पहने होंगे हाथों में। मतलब सर, इन पैरों को भी उसी तरह से काटा गया है जैसे उन पैरों को काटा गया था जो हमें पहले मिले थे। हाँ, मगर इस बार की कहानी कुछ और ही है। पैर काटे तो पहले के ही दर्द है, मगर खूनी जब इस आदमी के पैर काट रहा था तब ये आदमी जिंदा था। क्या, ये आदमी जिंदा था? मतलब जिंदा आदमी के पैर काट रहा है? कटी हुई जगह पर बहुत ज्यादा खून था, और इतना ज्यादा खून तभी हो सकता है जब किसी जिंदा आदमी को काटा जाए। सर फिर तो ये बेचारा बहुत ही तड़पा होगा। सर खूनी कोई पत्थर दिल का आदमी है सर, जरा भी रहम नहीं आया उसे ये सब करते हुए। विवेक, ऐसे लोगों में रहम नाम की चीज नहीं होती है। लेकिन उसने इन लोगों को छुपा के कहाँ रखा है? वही तो, सिर्फ पैर काट के फेंक रहा है। मगर ये पैर काटे कब होंगे? लगभग 5-6 घंटे पहले। 5-6 घंटे पहले? तो फिर ये आदमी जिंदा होगा अभी भी? बिल्कुल हो सकता है। यार सलूके, वो जो वैन में से ब्लड के सैंपल्स और छोटे छोटे मांस के टुकड़े मिले थे उनके बारे में क्या पता चला? जो ब्लड सैंपल आप लोगों को मिला है उसमें 6 लोगों का ब्लड है, और हमें इन 6 लोगों का डीएनए भी मिल चुका है।
मतलब इस खूनी ने 6 लोगों को शिकार बनाया, 6 लोगों को, 6-6 लोगों के पैर काट चुका ये आदमी, 6-6 लोगों के पैर, और हमें मिले सिर्फ 3 पैर। अगर हमने इन लोगों को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा तो पब्लिक हमारे ऊपर उंगलियां उठाएगी, कहेगी कि जब शहर में CID है तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये बात तो है सर, अगर ये 6 लोगों के पैर काट चुका है तो फिर वो लोग है कहाँ? वो लोग तो कहीं मिले नहीं अभी तक। हाँ सर, 1-2 लोगों को तो छुपाना आसान हो सकता है, लेकिन इतने लोगों को छुपाना काफी मुश्किल है सर। हाँ सचिन, और तो, लेकिन ये तो सिर्फ पैर काटे जा रहा है उन लोगों के, सिर्फ पैर, क्यों? एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये अपराधी चाहता क्या है। यही हो सकता है सचिन, जिन जिन लोगों के पैर काटे हैं उसने, उनसे बदला ले रहा है वो। मगर सर, एक सर्जन की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती, वो भी 6-6 लोगों से। सर्जन दिमाग खराब हो गया उसका विवेक, इस सर्जन का दिमाग खराब हो गया, लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहा है घर में और उनके पैर काटे जा रहा है। मगर ये कहां से ढूंढता है अपने शिकार को, कहां से ढूंढता है, ये कहां से लाता है ये अपनी शिकार पकड़ के? सर्जन है ये, मरीज, हाँ हो सकता है वो मरीजों को ही पकड़ के ला रहा है, वो मरीज जिन्हें वो ट्रीट कर रहा है, इलाज कर रहा है। एक काम करो, उस वैन में जो ब्लड सैंपल्स मिले वो शहर के सारे हॉस्पिटल्स में भेज दो और उनसे कहो कि ये ब्लड सैंपल पिछले 3-4 दिनों में जितने भी मरीज एडमिट हुए हॉस्पिटल में उनके ब्लड के साथ मैच करके देखो। सर आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले ही आई, हमने जो खून के सैंपल्स भेजे थे वो इस जीमल हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं सर। बस अब खूनी तक हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। ये लीजिए सर, जिन लोगों के खून का DNA आपके भेजे गए खून के DNA से मिलता जुलता है उनके नाम कुछ इस तरह से। हरप्रीत, विकास और मनु, मनु का नाम भी है यहाँ। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, तीनों के तीनों कब एडमिट हुए थे आपके हॉस्पिटल में? सर विकास तो पिछले हफ्ते आया था, हरप्रीत और मनु ये 4 दिन पहले एडमिट हुए थे। इन सबको प्रॉब्लम क्या थी? सर विकास को मामूली सा इन्फेक्शन हुआ था इसलिए उसे दवाई देकर घर भेज दिया था। और हरप्रीत और मनु? हरप्रीत और मनु को बुखार था, उन्हें भी थोड़ी देर रखा और फिर बाद में घर भेज दिया। मगर सर एक बात है। क्या? जब उन तीनों का बॉडी चेकअप हुआ तो पता ये चला कि उनके शरीर के निचले हिस्से में तीनों को तकलीफ थी। शरीर के निचले हिस्से में तकलीफ है इन तीनों के तीनों को? सचिन, खूनी का जरूर इस जीमल हॉस्पिटल से कोई ना कोई संबंध है। इस हरप्रीत और विकास को जल्दी से जल्दी ढूंढो। सचिन यही जगह है ना? यस सर। ये क्या, या तो ताला लगाओ। कौन है आप लोग? आपको किससे मिलना है? आप लोग CID से? CID से? आप कौन है? मैं यहाँ पड़ोस में रहता हूँ। पड़ोस में ही रहते हो? तो एक बात बताइए, क्या ये विकास का ही घर है? हाँ ये घर विकास का ही है। देखिए हम विकास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बता सकते हो? हाँ वो मेरा दोस्त है, वो यहाँ पर अकेला ही रहता है। विकास अकेला रहता है? तो फिर उसके परिवार वाले कहाँ पर हैं? सर उसके परिवार वाले किसी गाँव में रहते हैं, अब वो किस गाँव में रहते हैं ये मुझे नहीं मालूम। और ये विकास कहाँ गया हुआ? सर विकास हॉस्पिटल गया है। विकास हॉस्पिटल गया? मगर विकास को तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है ना? हॉस्पिटल से कोई फोन आया था, हॉस्पिटल वाले शायद कह रहे थे कि शायद उसकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ हो गई है तो दोबारा टेस्ट करने के लिए बोला है हॉस्पिटल वालों ने। विकास का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ नंबर है, लेकिन वो पुराना वाला नंबर है मेरे पास, वो तो अब बंद हो चुका है और उसने नया नंबर मुझे दिया नहीं है। सचिन हॉस्पिटल से पता लगाओ क्या विकास को दोबारा चेकअप के लिए बुलाया था क्या। सर हेलो, जीमल हॉस्पिटल, मैं CID से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपके एक पेशेंट विकास को आप लोगों ने वापस बुलाया क्या डिस्चार्ज होने के बाद? कोई फोन किया आप लोगों ने या फिर किसी टेस्ट के लिए बुलाया? नहीं बुलाया। आर यू श्योर? ओके थैंक्स। सर हॉस्पिटल वालों का कहना है कि डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने इसे कोई फोन नहीं किया और ना ही किसी टेस्ट के लिए बुलाया। हॉस्पिटल वालों ने विकास को फोन ही नहीं किया तो फिर विकास को बुलाया किसने? किसने बुलाया होगा विकास को? सचिन एक काम करो, सारे ऑफिसर्स को ब्यूरो में बुला लो, मुझे अर्जेंट मीटिंग लेनी है। हाँ अभिजीत, विकास के नंबर के बारे में क्या पता चला? नहीं सर,
हमने विकास के दोस्तों से भी पूछताछ की, मगर विकास के नए नंबर के बारे में उन्हें भी नहीं पता है। अरे किसी को भी उसके फोन नंबर के बारे में कैसे पता नहीं? अच्छा ये हरप्रीत, उसके बारे में क्या खबर मिली? सर हरप्रीत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गया था, लेकिन उसे भी फोन आया। कहां से? हॉस्पिटल से? हाँ सर। किस लिए फोन आया था? वही सर, मेडिकल चेकअप करवा लो। विकास को भी ऐसा ही फोन आया था हॉस्पिटल से? और उसके बाद से हरप्रीत गायब है सर। ये कोई मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं था सर, ये दावत थी, मौत की दावत। ये फोन खूनी नहीं किया है, इन तीनों को गायब खूनी नहीं किया है। अभिजीत, इन तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है आपस में, इसीलिए तो खूनी ने इन तीनों को ही बुलाया। कनेक्शन है ना सर? सर वो डॉक्टर बता रहा था कि जब उसने हरप्रीत, मनु और विकास के शरीर की जांच की तो उसे पता चला कि उनके शरीर के निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए बुलाया खूनी ने इन तीनों को। रखा कहां होगा? थैंक्स सर। उस नंबर का पता चल गया है जहां से फोन आया था। तो फिर टेलीफोन एक्सचेंज से पता लगा कि नंबर कहां का है और किसका है। सर यही वो जगह है जहां से हरप्रीत और मनु को फोन आया था सर। यहां तो कोई भी नहीं है। ये तो किसी डॉक्टर का क्लिनिक है। हे भगवान, धूल देखो, यहां पर तो कुछ नहीं होता होगा। सच ढूंढो जरा अच्छी तरह से, देखो क्या मिलता है। सर ये मोहक फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी का ब्रोशर है सर। मोहक फार्मास्यूटिकल्स? ये भी देखो, ये भी मोहक फार्मास्यूटिकल्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इसे सिद्धार्थ के नाम से बनाया है। सिद्धार्थ के नाम से? हाँ सिद्धार्थ। सर जब मनु ने करण को फोन किया था हाँ, तो वो किसी सिद्धार्थ नाम के लड़के के साथ था, कहीं ये वो वही सिद्धार्थ तो नहीं? हाँ सचिन, वही सिद्धार्थ हो सकता है। इसे ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां पर है ये। चालू है? वाह सचिन, इस नंबर पर जितने भी फोन आए हैं और जितने भी फोन किए गए हैं सबके लिस्ट ले लो, जरूर इनमें से कोई ना कोई तो इस चक्कर से जुड़ा हुआ है। और ये मोहक फार्मास्यूटिकल्स, पता लगाओ इस कंपनी के बारे में। हेलो ऑफिसर्स, मेरा नाम सुमित है और मैं इस कंपनी का सीईओ। मुझे पता चला कि सीआईडी वाले आ रहे हैं तो तुरंत चला आया। सुमित जी, हमें आपके कंपनी के कुछ पेपर्स मिले हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स जो आपने सिद्धार्थ के नाम पर किया है। ये आपके सिग्नेचर है? जी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने सिद्धार्थ को दिया था क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। किस लिए बनाया था कॉन्ट्रैक्ट सिद्धार्थ के साथ? क्या करने वाला था वो तुम्हारे लिए? वो स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। स्टेम सेल पर रिसर्च? आगे आने वाले दिनों में लोगों का इलाज स्टेम सेल से ही होगा। स्टेम सेल से इलाज? वो कैसे? वो ऐसे सर कि अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, जैसे कि लीवर, ब्रेन, किडनी वगैरह, तो स्टेम सेल के इलाज से वो हिस्सा दोबारा बन जाता है। और सिद्धार्थ इस पर रिसर्च कर रहा है ना? जी सर। सच बताओ, किस पर रिसर्च कर रहा था? जल्दी बताओ, किस पर रिसर्च? सर किस पर? कटे हुए पैरों के ऊपर रिसर्च कर रहा था। कटे हुए पैरों पर? देखो ये सरासर गुनाह है। मतलब हरप्रीत, ये मनु और विकास, जिन जिन के पैर कटे हैं मतलब वो रिसर्च के लिए काटे गए? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बहुत बुरी तरह से फंस गए हो मिस्टर सुमित। तुम्हारा ये सिद्धार्थ जिंदा लोगों के पैर काट रहा है स्टेम सेल रिसर्च के लिए। कहां पर है सिद्धार्थ? सर मैं सच कह रहा हूँ, पिछले एक महीने से उनसे नहीं मिला हूँ मैं। झूठ बोल रहे हो तुम सचिन, अरे स्टोरेंट बनाओ इनका। सर प्लीज सर, जब ये मनु करण के साथ फोन पे बात कर रहा था तो पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी, कहीं वही जगह तो नहीं जहाँ पे सिद्धार्थ अपना रिसर्च कर रहा है? वहां पे समुद्र का किनारा भी है सचिन, जहां पर बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि कटा हुआ पैर समुद्र के किनारे पर ही मिला था। बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज और समुद्र का किनारा, कुछ धुंधला सा याद आ रहा है मुझे।
जगह, समुद्र का किनारा, बहुत सारे कुत्ते हैं। सचिन, ये सोलार बीच है, सोलार बीच। वहां पर कुत्तों का स्पेशल हॉस्पिटल है। ये लो सोलार बीच एरिया। ये जगह समंदर के काफी पास है सर, और यहाँ पे कुत्तों का हॉस्पिटल भी है सर। हाँ, कहाँ पे है? ऐसी जगह पे ऐसा अजीब दरवाजा? हाँ, अजीब तो है, लेकिन चलो चलकर देखते हैं। अंदर से आवाजें आ रही है, लाइट्स भी दिख रही है। तो हमें जल्द से जल्द अंदर घुसना चाहिए। हाँ, लेकिन कहां से जाए? और ये तो कैमरा है, कहीं लोगों ने हमको देख तो नहीं लिया? केतन, देख लिया तो कौन है? जो भी है, अगर हमें देख लिया तो जरूर कोई ना कोई तो बाहर आएगा। चुपते हैं, सब लोग चुप जाओ। सर, यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। केतन, बाहर जाकर देखो कौन है। जी सर। जल्दी से इन सब को हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करो। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। कौन हो तुम? CID। और अगर भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारे भी पैर काट दिए जाएंगे। तो आखिर ढूंढ ही लिया तुम लोगों ने मुझे। तुम्हें क्या लगा तो इतनी आसानी से बच जाओ? बेगुनाह लोगों के पैर काटे जा रहे थे। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं चमत्कार कर रहा हूँ। मैं इस दुनिया में चमत्कार कर रहा हूँ जिससे सबको दुख से, दर्द से, तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी और हमेशा के लिए मिल जाएगी। तुम लोग बेवकूफ नहीं समझोगे इस बात को, मैं सच में कोई चमत्कार कर रहा हूँ। तू मुक्ति दिलाएगा? लोगों के पैर काट के इनकी भलाई करेगा तू? हाँ, तुम बेवकूफ हो, मैं इन लोगों को मुक्ति दिला रहा हूँ। मुक्ति? ये तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ होना बाकी है, समझे? जब आंसू रोकने का मन करे ना तब बताना, पैर काट कर। पैर काट के दिखाना होगा? हाँ, पैर काट के दिखाना पड़ेगा। किसका? तुम्हारा और किसका? नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? होगा, जरूर होगा, और अभी होगा। देखना है पैर कैसे काटा जाता है और तुम्हें दर्द कैसे होता है। मैं रिसर्च कर रहा था, और मैं ये रिसर्च कर रहा था कि कटे हुए पैर को फिर से कैसे उगाया जा सकता है, और मैं ये सब दुनिया की भलाई के लिए कर रहा था। भलाई का काम कर रहा था है? लोगों का पैर काट के अपाहिज बना रहा था। जो बात हो ही नहीं सकती उसकी खोज करने का पागलपन तुम्हारे दिमाग पर सवार हुआ कैसे? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं ये करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए एक के बाद एक लोगों के पैर काटता क्या था? अगर पैर नहीं काटूंगा तो ये कैसे पता लगेगा कि मेरा रिसर्च ठीक है या नहीं? समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ क्या किया जाए। देखिए, मैं जानवरों पर रिसर्च करते करते एकदम बोर हो गया था, मैं थक गया था, मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। अच्छा, ये भलाई करने का काम तुम्हारे दिमाग में आया कैसे है? मैं ये किसी के दबाव में आके कर रहा था। किसके दबाव में? सुमित नाम है उसका, मोहक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है वो। ओह, सुमित। सुमित का तो इंतजाम हो चुका है। क्या? वो तो मेरे सारे रिसर्च का खर्चा उठा रहा था। उसी के कहने पे तुम्हें ये कर रहा था कि कटे हुए पैरों को फिर से कैसे उगाया जा सकता है। इस रिसर्च में कुछ लोगों के जाने भी गई होंगी। हाँ, जान तो जाती है, जाने गई भी है, और लाशों को ठिकाने के लगाने का इंतजाम ये केतन करता है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, पैसे के लालच में अंधा हो गया था। चुप। पैसों की लालच में किया जाने कितने लोगों को अपाहिज बनाया, और न जाने कितने लोगों की जाने ली। तुम दोनों को और सुमित को भी फांसी ही होगी।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।